मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस भाजपा सहित सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एमपी के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मंडला जिले की बिछिया विधानसभा की, जहां कांग्रेस भाजपा के साथ अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। बिछिया विधानसभा में कुल मतदाता 2,53,160 हैं। इनमें महिला मतदाता 1,27,697 और पुरुष मतदाता की संख्या 1,25,461 है और थर्ड जेंडर मतदाता सिर्फ 2 हैं। यह महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इस इलाके में 70% से भी ज्यादा आदिवासी रहते हैं। इसमें गौड़ जनजाति और बैगा जनजाति के लोग शामिल है, जिस वजह से यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा। इस बार बिछिया विधानसभा में त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है। जनचर्चा ऐसी भी है कि इस बार कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच ही कांटे की टक्कर होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हमारे सहयोगी सलीम खान ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश तेकाम से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने चुनावी रणनीति पर खुलकर अपनी बात रखी है। जी, आज खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ हम हैं कमलेश तेकाम जी, जो अभी वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मंडला के जिला अध्यक्ष हैं। तो तेकाम जी, आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी लग रहा, सुनने में आया कि आपका गठबंधन किसी पार्टी के साथ हुई है, तो विधानसभा चुनाव के लेके आपकी क्या तैयारियां हैं और गठबंधन के साथ आप क्या क्या और आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? थैंक यू सलीम जी। जैसा कि अभी अभी कल की डेट पे गठबंधन हुआ है ये बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के साथ, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा एक है और ये मध्य प्रदेश में पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ कोई संयुक्त रूप से गठबंधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सफलता हम लोग हासिल करेंगे। और जैसा कि चुनावी मुद्दे, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये सब बातें आई, क्योंकि गठबंधन के और कारण चुनावी मुद्दे ये सब मध्य प्रदेश की जनता दोनों भाजपा और कांग्रेस से इतना रुष्ट है कि वो थर्ड ऑप्शन चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी, जनता को एक ऑप्शन मिल गया और दोनों संयुक्त रूप से जब चुनाव मैदान में आए हैं तो कहीं ना कहीं रुझान जनता का है हमारी तरफ जी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मंडला जिले में जो जन समस्याएं हैं या ऐसे कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, बेसिकली जो सरकार में रहता है, पक्ष और विपक्ष अभी तक दो रहे हैं, लेकिन हम लोग बेसिक मुद्दे जैसे कि लोकल कहा जाए, आप जिले की बात कर रहे हैं तो जिले में तो कुछ भी काम, आज 77 साल की ओर है मंडला जिले वासी, लेकिन यहाँ बिजली पानी और रोड बहुत ज्यादा समस्या है। क्योंकि मैं जिला पंचायत में बैठा हूँ तो मेरे पास कम से कम 400-500 ऐसे रोड की कंप्लेंट्स आई हैं जो कि सरकार की गलत नीतियों के कारण वो बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि सारे ग्रामीण परेशान हैं, आना जाना दूभर हो जाता है। जैसे ही बरसात होता है तो कोई बीमार अगर रहे तो देखे होंगे आप, कई बार पत्रकार भी हैं तो खटिया से आना जाना चल रहा है, कोई बाइक से नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहीं गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, तो अनेकों तरह की लोकल समस्याएं हैं। तो अपनी अपनी विधानसभा में तो लोकल समस्याएं रहेंगी और जो सरकार के मुद्दे, सरकार के लिए जो आज तक आपके बेसिक मुद्दे पिछले विधानसभा में किन मुद्दों पे फोकस करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? जैसा कि सबसे पहले बेसिक मुद्दा देखा जाए तो इंटीरियर क्षेत्र में जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तो माननीय वर्तमान विधायक जी, इन लोगों ने जो ट्रांसफर नीति के तहत मवई घुघरी बिछिया के सारे शिक्षकों को स्कूल खाली करके ट्रांसफर कर दिया गया। आज भी मैं जाता हूँ तो वहाँ शिक्षक विहीन इतने साल आए हैं तो वो पता नहीं कैसे पढ़ रहे होंगे इतने सालों से। तो अभी जब से हमने निरीक्षण किया है तो हर जगह जा जाकर अतिथि की व्यवस्था और ये सब की गई है। और देखा जाए तो रोड तो बहुत ज़्यादा समस्या है, जो चलते बनता नहीं है। और जहाँ के माननीय विधायक जी हैं वहाँ तो बस स्टैंड की इतनी हालत ख़राब है कि बरसात में वहाँ कोई घुस नहीं पाता।
तो मेरे ख्याल से 10 साल के कार्यकाल में तो ऐसा होना नहीं चाहिए और कुछ ना कुछ काम करना भी चाहिए। आपका दायित्व बनता है कि क्षेत्र में काम करने का, तो ऐसा काम तो दिखे तो वो जनता खुद देख रही है और 100% है कि जनता उनको नकारेगी। और उसके पहले भाजपा भी रही है तो सभी को देख ही लिए। और देखा जाए तो जो परिवर्तन की बात बिछिया विधानसभा में होती है तो वाकई एक बार परिवर्तन करने के लिए जनता जागरूक हो चुकी है। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार भाजपा कांग्रेस या गोंडवाना बिछिया विधानसभा? इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत होगी और हम वो लोकल मुद्दों पे जाएंगे जो यहाँ हम काम कर सकते हैं। और जैसे सरकार की तो बात हमने पूर्व में भी बता चुके हैं कि आज कृषि को लेके, यहाँ पे बिजली को लेके, ये सब में कोई काम ही नहीं हुआ। और कृषि के जो नियम बनाए गए हैं ऑनलाइन करने के बाद तो किसान और भी ज़्यादा परेशान है। पूरे रिकॉर्ड ऐसा है कि लोग समझ भी नहीं पाते गांव में और रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। पटवारी हैं तो वो काम नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन की प्रथा में देखा जाए तो रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने के कारण किसी की जमीन इस गांव में है तो कहीं दूसरी जगह बता रहे हैं और उनका निराकरण भी महीनों लग जाता है, सालों लग जाता है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं गांव ग्रामीण एरिया की। तो उन्होंने बस वादे किए हैं, काम कुछ नहीं है। और जहाँ तक ST SC के साथ, माइनॉरिटी के साथ, OBC के साथ, ये बहुत ज़्यादा छलावा किए हैं। जैसे कि बात करें तो OBC के जनगणना की बात, फिर 52% जो आरक्षण है उसको भी नहीं दिया गया। फिर उसके बाद आदिवासियों के साथ आए दिन प्रताड़ना, अत्याचार, ये बिल्कुल लगातार चल रहा है। पर डे प्रतिदिन हर हफ्ते ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। हाल ही में उमरिया जिले में भाजपा सरकार की एक मंत्री जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त है, उस मुद्दे को हमारी पार्टी ने उठाया तो उन लोगों को जेल में डाल दिया गया और खुद ही उनके कुछ गुर्गे जो पहुंचाए हुए थे भीड़ में आकर हमले किए गए पुलिस पर और आरोप लगाया पार्टी के ऊपर। तो इस टाइप के कृत्य हैं जो कि आदिवासी दलित आप डेली सुनने में आ रहा है कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और सरकार कुछ नहीं करती। जी ठीक है, लेकिन अभी निवास विधानसभा में एक पेच फंसा हुआ, केंद्रीय मंत्री को विधायक के चुनाव के लिए उतारा गया है, तो गोंडवाना तो वहाँ भी लड़ेगी, तो क्या आप केंद्रीय मंत्री के लेवल का ऐसा कौन है आपकी पार्टी में जो उसको फेस कर सके? देखिए, जनता की नज़र में वो केंद्रीय मंत्री बड़ा होगा, लेकिन ये जनता और भाजपा की नज़र में कहा जाए तो, लेकिन हमारे पास है वहाँ जमीनी कार्यकर्ता हैं जो हराने की दम भी रखते हैं और जनता उनसे परेशान है, क्योंकि ये 40 साल की राजनीति में माननीय मंत्री कुलस्ते जी का ऐसा कोई काम तो दिखा नहीं जनता को। जनता रुष्ट भी है, जैसा कि उन्होंने अभी अभी भाषण में कहा कि उमरिया की घटना को लेकर कि गोंडवाना या ये उग्रवाद इन्हीं लोगों के, ऐसे ही जनप्रतिनिधि आदिवासी नेताओं के कारण पनपा और ये जो आज जनजाति को ऐसा बोला जा रहा है, तो ऐसे ही हमारे नेताओं के कारण आदिवासी परेशान है, शोषण का शिकार है, तो ऐसे नेताओं को तो होना ही नहीं चाहिए। और वहाँ निश्चित निवास विधानसभा की जीत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की होगी 100%। ये जो हाल में 23 साल की लड़की है ललिता ध्रुवे, जो जनपद जिला पंचायत जीत कर आई, सुनने में आ रहा है कि उनको वहाँ पे टिकट दिया जाएगा केंद्रीय मंत्री के सामने विधानसभा पे? नहीं, ऐसा पार्टी ने तो अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, मुझे जानकारी भी नहीं है। और ऐसा अगर जनचर्चा के दौरान ऐसा आया हो आप लोगों के माध्यम से तो ये अगर पार्टी संगठन चाहेगी तो ऐसा हो भी सकता, संभव है, क्योंकि अभी उन्हीं के कुलस्ते जी के गढ़ पे ही उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में कुलस्ते जी की बहन को हराया था 3900 वोटों से। तो लोगों का ऐसा मानना है और ऐसी चर्चा है कि हो ना हो पार्टी ललिता ध्रुवे को विधानसभा में उतारे। नहीं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी तो नहीं, अभी हाल ही में 3-4 दिन से बाहर था, तो हो सकता है ऐसी कोई वहाँ निवास विधानसभा गया भी नहीं हूँ, तो कहीं ऐसी चर्चा में हो, जानकारी लेकर फिर मैं अवगत कराऊंगा। जी, तो आपकी क्या रणनीति होगी? जैसे बिछिया विधानसभा में भी अभी कांग्रेस में मनमुटाव चल रहा है, दो पार्टियां हो गई है,
एक नारायण सिंह पट्टा और दूसरी है एक मराबी जिला पंचायत सदस्य है, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे कुछ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को चुनाव फाइट करने में काफी तकलीफ या दिक्कत होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पुराने कार्यकाल माननीय पट्टा जी जो वर्तमान विधायक पिछले विधानसभा से, उनका भी 10 साल का कार्यकाल यहाँ की जनता देख चुकी है, और उसके पहले भी 10 साल भाजपा के जो अभी हाल ही में है पंडित सिंह दुर्वे जो वो भी प्रत्याशी के रूप में अपना आगे नाम दिया था और दूसरे किसी को मिला, तो इस तरीके से दोनों पार्टियों घमासान तो चल रही है, लेकिन ये जनता को भी सोचना पड़ेगा और देखना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी यहाँ परिवर्तन तो होता हमेशा, तो एक बार सही में परिवर्तन करके भी देखें जनता, तो उससे पता चलेगा कि सही क्या चीज़ है। और हमेशा मैं तो चाहता हूँ कि परिवर्तन करना ही चाहिए चुनाव के टाइम, जो काम करे तो ठीक है, नहीं तो परिवर्तन कर देना चाहिए। नहीं, पिछले विधानसभा में देखा गया हर 5 साल में परिवर्तन होता है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, तो क्योंकि तीसरा विकल्प लोगों के पास है नहीं, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आ रही है, तो इसमें इसको आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या विधानसभा चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पिछले विधानसभा से निकाल लेगी? यह तो जनता का रुझान भी है और तीसरे विकल्प के रूप में जो कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे कहीं ज्यादा हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इसको विश्वास भी दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से पिछले विधानसभा की जनता को, क्योंकि मैंने देखा है कि अजनिया क्षेत्र, मवई क्षेत्र, घुघरी क्षेत्र में रोड और बिजली की इतनी बदतर हालत है कि आज 77 साल बाद भी कई गांव में बिजली नहीं है, और मैं आज मीडिया के माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जैसे यहाँ से विधानसभा में चुन के आते हैं तो अपने कार्यकाल के दौरान एक भी गाँव में ऐसा बिजली की कहीं समस्या नहीं आएगी, नहीं ना तो रोड की समस्या आएगी, ये लिखने या घोषणा करने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसा आश्वस्त करते हैं कि ये बहुत जल्द से जल्द जैसे ही जीत के आते हैं 2 साल के अंदर ही सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए।